नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आज हम लुक स्मार्ट अपने चैनल की तरफ से एक ऐसा इशू हम आपके बीच में लाए हैं। ये इशू जनहित में और एक देश में प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए जो चुनाव लोकसभा का या विधानसभा का जो कराया जाता है, जिसमें चुनाव आयोग दिल्ली और राज्य स्तरीय चुनाव आयोग की काफ़ी अहम भूमिका होती है और इसमें बहुत पैसा खर्च भी होता है। ये सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से अपने मैनिफेस्टो के साथ लोग भाग लेते हैं और दावा प्रस्तुत करते हैं और एक अपनी तरह से प्रक्रिया अपनाई जाती है और चुनाव होता है, या विधानसभा को या लोकसभा का हो, और उसमें निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से वोटर्स उनके नीतियों को पसंद करके और अपने नेताओं को पसंद करके और फ्रीडम से अपना वोट करते हैं, और उस वोटिंग के पश्चात जो सेलेक्ट या इलेक्ट जो ऑनरेबल होते हैं, उसके बाद एक जिसकी बहुमत होती है उस बहुमत से अपने सरकार बनाते हैं, एक प्रक्रिया लागू होता है। ये जो ये पूरी प्रक्रिया संवैधानिक स्तर पर ही है। मेरे दोस्तों, माय फ्रेंड्स, हमारा इशू ये है कि कई नेशनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिसमें मेंबर्स हैं, डिक्लेरेशन होते हैं, सदस्यता लेते हैं और टीवी के माध्यम से, प्रिंट्स के माध्यम से ये सबको, आम जनता को, सभी को जानकारी होती है कि हमारे किस दल से कौन से पॉलिटिशियन इस दल में हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं या चुनाव लड़ते हैं, अपना अपना दायित्व निर्वाह करते हैं। ये बात हम आपके बीच में जनहित में, इसको कहा जा सकता, जनहित में समाज में जो वोटर्स जो देने वाले हैं, पर्टिकुलर उन लोगों के लिए है ये, जिनको मत देने का अधिकार है। सभी के मन में आकांक्षाएं होते हैं कि कोई इस दल से कोई सहमत है, कोई उसका प्रिय नेता है, कोई बहुत परम गोपनीय तौर से वोटिंग कराया जाता है, जीत के पश्चात एक सरकार बनाई जाती है। अचानक अभी वर्तमान समय में जो लोकसभा में चुनाव का डिक्लेरेशन हो चुका है और सभी दल अपने अपने दलों को जीत के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं, सराहनीय विषय है, अच्छी बात है, इसे पूरे भारतवर्ष के सभी मताधिकार, हम सभी इसमें सहमत हैं। हमारा इशू है कि अचानक अच्छे अच्छे ऑनरेबल पॉलिटिशियंस अचानक कोई पार्टी छोड़ देते हैं और अपने पार्टी को छोड़ करके दूसरे दलों में भागने लगते हैं, और कुछ पॉलिटिशियन को, ऑनरेबल को, अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के अनुसार, नियमानुसार, कुछ लोगों का नियमानुसार किसी का वोटिंग के कारण या उनको टिकट नहीं दिया जाता है, तो वैसे पॉलिटिशियन अचानक अपने दलगत को छोड़ करके और दूसरी पार्टियों में भागने का एक मीडिया के थ्रू, और हमारे आपके सामने, और वो बोलते हैं कि हम अमुक उस दल में जाएंगे और पार्टी में भाग लेंगे। माय फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों है, जो पॉलिटिशियन जिस दल का हो, सारे जो वोटर जो पिछले साल वाले जो वोट देते हैं वो जानते हैं कि हमारा प्रिय नेता कौन है, और अचानक कुछ पार्टी की व्यक्तिगत नीतियों के कारण अच्छे नेशनल लेवल के पॉलिटिशियन को भी देखा जा रहा है ये कि लोग पार्टी छोड़ करके अचानक अपने चेहरा बदल लेते हैं।
अपने इस लुक स्मार्ट चैनल से हम सभी आप सभी आम लोगों का प्रतिक्रिया चाहते हैं, प्लीज कमेंट करेंगे इस पर, इसका रिव्यू हमारे करने की इच्छा है कि ऐसा पॉलिटिशियन अगर कोई करते हैं तो क्या किस कारण से करते हैं, क्या उनका कोई निजी लाभ की भावना है या पार्टियों के नीतियों के कारण उनके द्वारा अचानक किया जाता है, कि या एक पार्टी दूसरे पार्टी को लोग किस तरीके से इसको ये इम्प्रेस करके अपने पार्टियों बुलाने का प्रयास करते हैं। ये स्पष्ट है माय फ्रेंड्स कि जीत के बाद कोई भी दल कोई बदल नहीं सकता है, कोई पार्टी नहीं छोड़ सकते हैं अपने एमएलए एमपी के पद, अगर छोड़ते हैं तो उसके लिए एक दल बदल का एक नियम है जिसके तहत में वो कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये विषय जो है चुनाव के पहले, चुनाव अवधि के दरमियान और चुनाव निकट संभावना डिक्लेरेशन के पहले अचानक जो भीड़ सी आ जाती है ऑनरेबल नेताओं के बीच में, ऐसा क्यों, क्या किस कारणों से, इस पर गौर करने का विषय है। जो भी हमारे वोटर्स या जो भी हमारे पूरे भारत देश के हैं, ये विचारणीय विषय है, विचार करना होगा। वो लोग एक झटके में सारे पार्टियों का नीति, लोगों का दिल तोड़ करके अचानक अपने को परिवर्तित कर दूसरे दल में चले जाते हैं, ऐसा क्यों, क्या इनके द्वारा करना ये उचित है, क्या उनके द्वारा किया गया क्या अनुचित है, या ऐसा कोई संवैधानिक या ऐसी कोई व्यवस्था है कि कभी भी कोई चाहे कभी इस दल में उस दल में अगर जाना भी चाहते हैं तो चुनाव के बाद, चुनाव खत्म हो जाए यानी 5 साल विधानसभा लोकसभा चुनाव का अवधि होता है, उस अवधि के बीच अगर ये लोग दल छोड़ते हैं, सदस्यता छोड़ते हैं, तो इसमें कोई चर्चा का विषय नहीं है, इसमें कारणों की जांच नहीं भी की जा सकती है। लेकिन अचानक चुनाव डिक्लेरेशन हो जाए और चुनाव होने वाला हो, इस अवधि में अगर हमारे सीनियर्स ऑनरेबल पॉलिटिशियन अगर ऐसा करते हैं तो प्लीज इस समीक्षा करने का विषय है। हम अपने लुक स्मार्ट यूट्यूब के चैनल से हम सभी आप लोगों का साधारण अनुरोध है कि अपना खुले रूप से मंतव्य हमारे चैनल पर अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट दें, ताकि इस पर हम अलग से एक मंत्रणा कर एक नागरिक होने के नाते, वरिष्ठ नागरिक होने के नाते चुनाव पश्चात जब चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, सरकार बन जाएगी, तो इस मुद्दा को लुक स्मार्ट एक प्रस्ताव सरकार में, चुनाव आयोग को, मेरे स्तर से इसमें पत्राचार, मेरे स्तर से एक छोटी सी लड़ाई शुरू होगी कि क्या चुनाव के अवधि में या चुनाव डिक्लेरेशन होने के ठीक पहले अचानक ऑनरेबल जो नेता जो ऐसा करते हैं, ये उचित है या अनुचित, इस पर सरकार का भी हम कोशिश करें, सरकार को रुझान मिलाना चाहते हैं, तो कोई नियम ऐसा बने कि ठीक मौके पर ये लोग ऐसी कार्रवाई करते हैं तो ऐसे वोटर्स हैं जो जिस दल के हों, जो अपने नेताओं की तरफ आस्था रखते हैं, थोड़ा सा तकलीफ उनको होता है। जो ये मेरे ख्याल से इस बात को कोई एक्सपोज करता नहीं है, ना कोई करेगा। तो प्रिय दोस्तों, माई ऑल फ्रेंड्स, लुक स्मार्ट चैनल से आज मेरा ये इशू है, केवल आप अपना प्रतिक्रिया प्लीज कमेंट में लिखें और बताया जाए, और अगर ये हमारे इशू को अगर पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और हम हमारा गुजारिश है कि अपना प्रतिक्रिया दें। हमारा केवल विषय है कि किस पीरियड में पॉलिटिशियन
पाला बदल करके दूसरे दल में जा सकते हैं। क्या इस अवधि में उनके द्वारा की गई कार्रवाई उचित है या अनुचित? यही मेरा आज का इशू था। प्लीज इशू को आप कृपया सुनेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। इसी के साथ लुक स्मार्ट चैनल भी अगले इशू पर आएगा। ये नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम।